हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज का जो कंटेंट होने वाला है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो कहीं ना कहीं सोल में पढ़ते हुए रेगुलर कॉलेज का सपना देखते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ फॉर न्यू बैच 2022-23 सेशन के लिए, जिन्होंने 2022-23 सेशन में सोल में एडमिशन लिया है, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है। क्या माइग्रेशन पॉसिबल है? क्या हम सोल से रेगुलर में एडमिशन करवा सकते हैं? क्या इंटर कॉलेज माइग्रेशन सोल से रेगुलर में हो जाता है? तो इन सारे सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, माइग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो मेरे से दो स्टूडेंट ने पूछा। एक जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूँ टेलीग्राम पे वहाँ पूछा, दूसरा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मिला। बट दो स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आओ, क्योंकि आप वीडियोस लाते हो बट एक वीडियो इसके ऊपर भी लेके आओ ताकि हमें ये तो एटलीस्ट पता चल जाए कि सोल वाले भी रेगुलर में जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो आज की वीडियो होने वाली सोल वालों के लिए, क्या माइग्रेशन पॉसिबल है, क्या आप सोल से रेगुलर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं और क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा माइग्रेशन पॉसिबल है। अब उसकी रूल्स क्या है पहले आप वो देख लीजिए, पहले मैं रूल्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, माइग्रेशन के बारे में सोल ने अपने प्रॉस्पेक्टस में साफ साफ बताया हुआ है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा, फिर आप कहते हो सर आप एविडेंस नहीं दिखाते। वैसे हर साल का ही विदाउट एविडेंस में दिखाता आ रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप सोल से रेगुलर में जाना चाहते हो तो पहली कंडीशन ये है कि जो माइग्रेशन पॉसिबल है वो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में पॉसिबल है, यानी कि अभी आप नहीं जा सकते, ना सेकंड सेमेस्टर में जा सकते। यानी जब आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगी तभी आप सेकंड ईयर के लिए माइग्रेशन करा सकते हो। क्या माइग्रेशन सीधे रूप में हो जाएगा? जी नहीं। देखिए, माइग्रेशन के लिए स्टूडेंट के पास फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट जो कि कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल, मतलब कि उसमें कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों मार्कशीट होनी चाहिए एक ही मार्कशीट में, यानी दोनों सेमेस्टर आपके क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट के मार्क्स, क्योंकि इस बार तो इंटरनल असाइनमेंट है, उसमें होने चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि कोई असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट जो कि आपका कॉलेज के प्रिंसिपल बनाएंगे, इसे आप NOC बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ से आप माइग्रेशन करा रहे हो, जैसे आप सोल से कराओगे तो सोल से आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा एक NOC आपको उस कॉलेज से भी लेनी होगी जहाँ एडमिशन करा रहे हो। मान के चलिए, देखिए सोल खुद में एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है। अब हम सोल से निकल के कहाँ जाएंगे? अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर कॉलेज कौन कौन से, जैसे श्यामलाल कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, माता सुंदरी, भारती कॉलेज, राजधानी, हंसराज, ये सारे रेगुलर कॉलेजेस हैं। अगर मान लीजिए मैं सोल का स्टूडेंट हूँ, मैं BA प्रोग्राम में हूँ, मुझे BA प्रोग्राम में ही मान लीजिए खालसा कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे खालसा कॉलेज जाके वहाँ से NOC लेनी होगी। NOC मतलब वहाँ जाकर मुझे बताना होगा वहाँ के प्रिंसिपल को कि सर मैं सोल से मैं माइग्रेशन कराना चाहता हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर बिल्कुल क्लियर है, मेरे पास मेरी मार्कशीट है, मेरा रिजल्ट आ चुका है, क्या आप मुझे परमिशन दोगे? अगर यहाँ से सोल से आपको परमिशन मिल गई, वैसे सोल से तो आपको परमिशन मिल जाएगी, बट जहाँ कॉलेज में आप जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, सिर्फ इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ, दिल्ली विश्वविद्यालय का किसी भी कॉलेज में माइग्रेशन करा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसकी अनुमति बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक आप माइग्रेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि माइग्रेशन का सबसे पहला रूल ये होता है, सोल वाले एक रिक्वेस्ट भेजेंगे उस कॉलेज में, जिस कॉलेज का आपने सजेशन दिया है सोल वालों को कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, अगर वहाँ एक्सेप्ट होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एक कंडीशन और लगती है, वो मैं आपको बता दूँ। एक कंडीशन इसमें ये लगती है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज में सीट जो है वो खाली होनी चाहिए।
अब ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए 80 बच्चे हैं सेकंड ईयर में और 80 बच्चे फुल है बिल्कुल, अब ऐसा तो नहीं आप बीच में घुस जाओगे 81 बच्चे हो जाएंगे, नहीं, उसमें सीट्स आपकी वीकेंड होनी चाहिए, वीकेंड सीट होनी चाहिए जिस कॉलेज में आप जा रहे हो। अब इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी आपको जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज की वेबसाइट पे वीकेंड सीट की जो लिस्ट है वो अपलोड की जाती है कि हमारे कॉलेज में माइग्रेशन के लिए अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज टू कॉलेज जाना चाहता है हमारे ट्रांसफ़र के लिए तो हमारे बीए प्रोग्राम की सीट इतनी खाली है, ऑनर्स की इतनी खाली है और बीकॉम प्रोग्राम की इतनी खाली, तो आपको सीट देखना होगा, आप किस कास्ट से आते हो जनरल ओबीसी एससी वो भी देखना होगा, इसके अलावा आपको वहाँ से अनुमति भी लेनी होगी। जब ये सारा कुछ आप कर लोगे उसके 15 दिन बाद जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा इधर से उधर से, क्योंकि इसमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, पहले आपको सोल जाना होगा, वहाँ से पूरे डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, आपकी दोनों मार्कशीट जब आपको निकालोगे ऑनलाइन, फिर आपको यहाँ से NOC लेनी होगी, लिविंग सर्टिफिकेट लेना होगा, जब ये अनुमति बना देंगे लिविंग सर्टिफिकेट पे कि हाँ हम अनुमति दे दें आप जाइए, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन लेके जानी है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है हाँ हमें जानते हैं हमें वो एडमिशन देंगे, जब वहाँ से अनुमति मिल जाएगी दोनों कॉलेज टू कॉलेज कोऑर्डिनेट होगा, देन उसके बाद आपका जो माइग्रेशन है सेकेंड ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सोल में एडमिशन इन्होंने ले रखा है। क्या NCVAP वाले भी जा सकते हैं? यस, तीनों का प्रोसीजर सेम है, सेम। इसमें देखिए लफड़ा कहाँ आता है मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली होता ही है सोल का जो रिजल्ट है वो लेट आता है, सोल का रिजल्ट तब आता है जब माइग्रेशन ज़्यादातर कॉलेजेस में क्लोज हो जाते हैं, तो पहली चीज़ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, किसी में बैग नहीं होनी चाहिए, आपको सोल से अनुमति होनी चाहिए लिविंग सर्टिफिकेट मिलने की, जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ सीट खाली होनी चाहिए, आप जिस कोर्स में आप हो उसी कोर्स की सीट वहाँ खाली होनी चाहिए, ठीक है। सारी डॉक्यूमेंटेशन जब हो जाएगी दोनों तरफ से NOC आपको मिल जाएगी, देन आप माइग्रेशन करा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है, इसको लेकर देखिए पूरा इन्होंने दे रखा है इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी माइग्रेशन। बट एक चीज़ और है, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल तक ही स्कीम चलेगी, यानी अगर आप PG में हो तो PG वाला स्टूडेंट माइग्रेशन नहीं करा सकता है, सोल से रेगुलर में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ है आप पढ़ लेना, ठीक है, बाकी तो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया। और बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में, बस फ़र्क ये है कि आप कितना उससे टाइम देते हो, क्या आपके पास इतना टाइम है। अगर रिजल्ट टाइम से आ जाता है तो माइग्रेशन हो जाएगा, रिजल्ट लेट आता है, मान लीजिए रिजल्ट काफ़ी लेट आता है सेकंड सेमेस्टर का या किसी में बैक रह जाती है तो माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन का नियम ये कहता है कि आपकी फर्स्ट ईयर पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारा इसमें मैंने आपको बता ही दिया है, एविडेंस सपोर्ट जो भी है ग्राउंड लेवल पर आपको करना होगा, आपको इधर से उधर जाना होगा, जिस कॉलेज से जा रहे हो वहाँ जाइए लिविंग सर्टिफिकेट बनवाइए, जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे अनुमति लीजिए, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, कॉलेज टू कॉलेज कोऑर्डिनेट होगा, देन उसके बाद आपका माइग्रेशन सक्सेसफुली माइग्रेट आप कर दिए जाओगे। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो क्या अभी तक क्या माइग्रेशन हुआ है? यस, 2 से 3 बच्चों का माइग्रेशन हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, अब इस साल देखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।